रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग का ग्लोबल मार्केट पर बहुत असर हुआ है। कोरोना के कारण ग्लोबल इकोनॉमी पहले से क्राइसिस में है, उसके बाद बढ़ती महंगाई की समस्या विकराल हो रही थी। इस बीच यूक्रेन पर रूस के हमले ने इकोनॉमी को झकझोर दिया है। यूक्रेन क्राइसिस ने महंगाई का दबाव बढ़ेगा और एशिया में सबसे ज्यादा भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। फूड और ऑयल प्राइस बढ़ने से एशियाई देशों पर प्रतिकूल असर होगा। इन देशों की फिस्कल कंडीशन मजबूत नहीं है। भारत ने चालू वित्त वर्ष के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य बढ़ाकर जीडीपी का 6.9% कर दिया है। अगले वित्त वर्ष के लिए यह अनुमान 6.4% रखा गया है। एशिया में भारत, थाईलैंड और फिलीपींस की अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे बुरा असर होगा। भारत कच्चे तेल का बहुत ज्यादा आयात करता है, ऐसे में कीमत बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत जल्द कड़े रुख अख्तियार कर सकता है। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 में औसत महंगाई 4.5% रहेगी। इधर सरकार भी यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान से घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने में जुट गई है। सरकारी अधिकारियों ने तेल की कीमतों में वृद्धि और देश के बाहरी व्यापार के प्रभावित होने के कारण मुद्रास्फीति में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए पहले से योजनाओं को तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं आपूर्ति बाधित होने या व्यापार मार्गों के अवरुद्ध होने की फिलहाल कोई आशंका नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना होने वाले बदलाव और रसोई गैस LPG दर में मासिक बदलाव रोक दिया गया था। पिछले 3 महीने से ईंधन के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से लागत और बिक्री मूल्य के बीच अंतर बढ़ गया है। उद्योग के सूत्रों ने कहा है कि यह अंतर 10 रुपये प्रति लीटर से अधिक है, जो अगले महीने चुनाव पूरा होने के बाद बढ़ाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार तेजी से सामने आ रही है, स्थिति के आर्थिक प्रभाव का आकलन करने में जुट गई है। अधिकारी ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों से अंदरूनी जानकारी जुटाई जा रही है। रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों का विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। सरकार कच्चे तेल की कीमतों में तेजी पर भी नजर बनाए हुए है। उल्लेखनीय है कि भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक है। भारत को अपनी जरूरत का 85% आयात के जरिए पूरा करना पड़ता है। निर्यातकों के संघ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फियो का कहना है कि यूक्रेन रूस के बीच सैन्य संकट से माल की आवाजाही, भुगतान और तेल की कीमतें प्रभावित होंगी और फलस्वरूप इसका असर देश के व्यापार पर ही पड़ेगा। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस वित्त वर्ष में अब तक $9.4 अरब का रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में यह $8.1 अरब का था। भारत मुख्य तौर पर रूस से ईंधन, खनिज तेल, मोती, कीमती या अर्ध कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों का आयात करता है। वहीं रूस को दवा उत्पाद, बिजली मशीनरी और उपकरण, जैविक रसायन और वाहनों का निर्यात किया जाता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।